अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक्टिव न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मेट्रो रेल जॉइंट एक्शन कमेटी ने गोलमेज़ इजलास उर्दू घर मोगलपुरा में मुनक़िद किया। जल्द से जल्द पुराने शहर में मेट्रो रेल का काम शुरू करने के मुतालिक ये इजलास रखा गया था। इस मौके पर साबिक एमपी जनाब अजीज़ पाशा सीपीआई, ईटी नरसीमा सीपीआई, शेख शमसुद्दीन सीपीआई, उस्मान अल हाजरी सोशल वर्कर, मोहम्मद गौस कांग्रेस और दीगर पार्टियों के लीडर्स मौजूद थे। मुझे याद है कि 30 तारीख के दिन जब हमारा धरना चारनार के पास हुआ, मैं तो समझा कि चूंकि डेवलपमेंट की बात है तो पुलिस वाले बीच में हाई नहीं होते स्टेशन करते समय या हमारे पुराने शहर साउथ जोन का पुलिस सबसे ज्यादा अटक कर रहे भाई। आप पुराने शहर तरक्की जो कोशिश है और अभी आपने सवाल किया था आपने कि रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो आ रहे और दूसरी बात ये कही थी आपने कि सर्वे कि आप एक नया कोई सर्वे बलिया से या किसी से सर्वे कर रखे हैं, ये ऑलरेडी पूरे वर्क कर चुके हैं। बादाफ्ता मेट्रो डायरेक्टर के साथ बैठ के इस बारे में बातचीत की गई। लास्ट 2-3 टाइम पहले हम लोग इरिटेशन के दिन जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को रखे हैं, ये रखे हैं कि मैं ये सुल्तान बाजार का इशू हमारे उस्मान भाई और सारे लोग भी बताए कि 20 फीट की रोड के अंदर मेट्रो ट्रेन जा सकती है तो 80 फीट में क्या पॉसिबिलिटी है कि 80 फीट में नहीं जा सकती है। ये रिलीजियस का जो बीच में हवा हवा ला रहे हैं उसके लिए मैं आपके लिए क्लियर बोलना चाह रहा हूँ, सिवाय 5 प्रॉपर्टी जिसके अंदर 2 मस्जिदें हैं और बाकी ये ग्रेवियाँ हैं। अब देखिए 80 फीट के बीच के अंदर रोड है दारू शफा से लेकर फलकनुमा तक, ये बलिया का अलाइनमेंट है जिसके अंदर 2 मस्जिदें बीच में हैं जो एक एतबा चौक की भी नहीं, एतबा चौक के नीचे भी क्लियर है ये कोटले निजा के पास एक और दूसरी ये सुल्तानशाही से जब अपन मुड़ लें वो सुल्तानशाही के बीच में से मतलब बना रहे एक मस्जिद बीच में आ रही है। इसके बाद से कोई भी मंदिर कोई भी मस्जिद कोई भी चीज़ नहीं। अब एक छोटा सा फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको कि आप देखिए ये टोली चौकी का जो फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर के नीचे झंडे दरगाह तमाम चीज़ को ले लिया गया है और ऊपर से फ्लाईओवर पब्लिक के चलने के लिए बेहतरीन अच्छा कदम है। ये डेवलपमेंट में आड़े आने वाली चीज़ नहीं है। ये सिवाय गुमराह इसलिए कर रहे हैं कि जब JAC का दबाव पड़ता गया इस चीज़ के बारे में बार बार हमारे कायदीन अजीज पाशा हो, हमारे रेड्डी साहब हो और हमारे उस्मान हलाजरी हो, उन्होंने कहा कि सुल्तान बाजार एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है हमारे लिए। सुल्तान बाजार के अंदर 20 फीट की रोड के अंदर मेट्रो ट्रेन जा सकती है तो अगर सेंट्रल के अंदर अभी अगर